हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एडवेंचर इन कुकिंग। तो आज मैं आपके साथ सोयाबीन आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप सोयाबीन को सोख कर लिया था लगभग आधे घंटे के लिए गर्म पानी में, और उसे अच्छे से धोकर निचोड़ लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में प्याज को कट्स कर सकते हैं। दालचीनी, मिर्च, अदरक, चार लहसुन की कलियाँ, टमाटर, जीरा। जीरा को मैंने यहाँ साबुत लिया क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। और दो आलू जिसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल किया है और इसे कट कर लिया ठंडा करके। और यहाँ पे मैंने क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे चार कड़ी पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो आप किसी भी ग्रीन वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जीरा, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया डार्क सोया सॉस, हाफ टी स्पून मीट मसाला, वन टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, वन टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। और योगर्ट। सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे। पैन गरम होते ही हम उसमें तेल डाल देंगे। तेल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा तेल में बनी हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है, किसी को कम तेल में, तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। मैं जो यहाँ बनाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ ताकि वो खाने में भी थोड़ी हेल्दी रहे। ये देखिए सोया चंक्स फ्राई हो चुके हैं। लगभग एक से दो मिनट में सोया चंक्स फ्राई हो जाते हैं। और अब हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। सोया चंक्स में सोया सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अगर बनाते हो तो आप ज़रूर ट्राई करो इसे इस तरीके से डालकर। और सोयाबीन हमारे खाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए अब मैं इसमें आलू कट करके डाल दूँगी। इन सबको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लगभग 5 मिनट फ्राई करना है। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, फ्लेम हमें लो रखनी है। और ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे और उसी सेम पैन में हम दोबारा ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें कड़ी के पत्ते डाल देंगे। आप कड़ी पत्ते के अलावा किसी भी चीज़ के पत्ते डाल सकते हैं। आप चाहे तो पुदीना के पत्ते डाल सकते हो, दालचीनी डालेंगे अब इसमें, और प्याज कटे हुए। अब प्याज को छोटे छोटे भी कट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम बिल्कुल फाइन चॉप करते हैं आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। आप प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है ये। बट फ्राई हो जाने के बाद इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए इसे हम 2 से 3 मिनट तक लगभग फ्राई कर लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है अब। और अब हम इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च और जीरा का पेस्ट डाल देंगे। और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च की क्वांटिटी या लहसुन की या अदरक की किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर मैंने जो यहाँ डाला है ये इतनी सब्ज़ी के लिए परफेक्ट है। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मसालेदार खाने का मन है या आप खाते हो हमेशा तो आप डाल सकते हो, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। और इस मसाले को हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो इसे हम लगभग 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें ये सारे मसाले, सूखे मसाले डाल देंगे। मैंने उसमें हल्दी नहीं डाला था, मैं भूल गई थी रखना, तो यहाँ मैंने हल्दी ले लिया है। तो
तो यहाँ मैंने आमचूर, नमक, जीरा, धनिया, चिल्ली फ्लेक्स, हल्दी, मीट मसाला, गरम मसाला सब कुछ ले लिया, जो भी मैंने आपको सूखे मसाले बताए थे। और उसमें थोड़ा सा बस मैंने ऑयल ऐड किया है ताकि ये सूखे मसाले जले ना और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए हमें लगभग 1 से 2 मिनट ही इसे फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी क्योंकि टमाटर, प्याज इन सब का पेस्ट पहले ही फ्राई हो चुका है, तो इन सूखे मसालों को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और याद रखिए, आप जब भी सब्ज़ी बनाए तो उसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं, क्योंकि अगर आप बहुत हाई फ्लेम कर देंगे तो आपकी सब्ज़ी जल सकती है, आपके मसाले जल सकते हैं, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। इस तरीके से हम थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेंगे। और सोयाबीन की सब्ज़ी, सोयाबीन हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, तो आप कोशिश करें कि इसे ज़रूर बनाएं। और जिसे नॉनवेज पसंद है पर वो नहीं खाता है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है ये, कि अगर आपको नॉनवेज पसंद है, आप नहीं खाते हो, आपको पसंद है खाना पर आप खा नहीं सकते हो, तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब्ज़ी खाओगे तो आप बिल्कुल भी नॉनवेज मिस नहीं करोगे। तो ये देखिए, ये मसाले अच्छे तरीके से फ्राई होने चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें मसाले अच्छे से फ्राई करने हैं, क्योंकि अगर मसाले अच्छे से फ्राई नहीं होंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक हमें मसाले फ्राई करने हैं अच्छे तरीके से। और जैसे ही मसाले फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें दही ऐड करेंगे। और जब आप दही ऐड करो तो फ्लेम हमेशा हाई होनी चाहिए, क्योंकि दही जल्दी फट जाती है अगर फ्लेम हाई ना हो तो। ये देखिए, लगभग 3 से 4 टीस्पून हम इसमें दही डालेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी फट जाएगा। और दही को आप अच्छे तरीके से मिला लें तभी उसे डालें। ये देखिए, फ्लेम हाई करके आपको तब तक चलाना जब तक कि दही मतलब ये सारे मसाले तेल ना छोड़ दे। तो मैंने दही को अच्छे से मिला लिया है और भी थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और हम इसमें फ्राई किए हुए सोयाबीन और आलू डाल देंगे। अगर आपको देखकर लग रहा है कि सोयाबीन जल चुका है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, डार्क सोया सॉस, इसलिए इसका कलर थोड़ा ब्लैक हो गया, पर ये खाने में बहुत ही अच्छा होगा, इससे इसका टेस्ट इन्हेंस ही होगा, तो आप टेंशन ना लें अगर आप यूज़ कर रहे हो इसे खाने में तो। ये देखिए, हमें इसे डाल के थोड़ी देर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 1 से 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुका है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और हमें याद रखना है कि मसाला फ्राई करते हैं तो उसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो वो जल सकता है। अगर वो जल गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, तो आप उसे चलाते रहें और फ्लेम बिल्कुल लो रखें। आप इसे मीडियम फ्लेम में भी पका सकते हो, पर ध्यान रखें कि आप इसे चलाते रहें बीच बीच में। और ये देखिए, मसाला सब्जी में अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं। और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे।
आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा पानी मतलब बहुत ज़्यादा रस वाली सब्ज़ी पसंद है या किसी को बहुत गाढ़ी, तो आप उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप इसे रोटी या चावल किसी चीज़ के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो आप इसके हिसाब से भी अपनी पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम ढक देंगे और नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। ये मैं इस तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको नमक ज़्यादा खाना पसंद है तो। ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, जिस आप देख रहे होंगे कि साइड साइड में इसके तेल बाहर आ चुका है, तो इस तरीके से जब हो जाए तो आप समझ जाओ कि आपकी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और अब हम सब्ज़ी को सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी, आप मुझे ज़रूर बताएं, इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो ये देखिए कितनी डिलीशियस और कितनी हेल्दी सब्ज़ी है। अगर आप इसे एक बार घर पर ट्राई करोगे तो बार बार बनाना चाहोगे और इसे सब पसंद करेंगे, ये बच्चे हो बूढ़े हो किसी भी एज ग्रुप के हो, वो सबको सबको पसंद आएगी ये सब्ज़ी, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ।